नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया, आपके साथ मैं हूं अभिषेक। बेंगलुरु में राज्य सरकार की तरफ से कहा गया कि हाल ही में बेलगावी के पास जैन भिक्षु आचार्य श्री काम कुमार नंदी महाराज की हत्या, टी नरसीपुर में युवा ब्रिगेड के स्वयंसेवक वेणुगोपाल नायक की हत्या की जांच सीबीआई से कराने की कोई जरूरत नहीं है। गृह मंत्री डॉक्टर जी परमेश्वर के इस जवाब के बाद जैन मुनि का मामला सीबीआई को नहीं भेजा जाएगा। वहीं बीजेपी सदस्य सदन के वेल में आ गए और विधान परिषद में विरोध प्रदर्शन किया। निश्चित तौर पर ये एक कर्नाटक जो है अराजकता अभी पूरे छाया हुआ है कर्नाटक, इसलिए हमने कल से सीबीआई का हमने सरकार को आग्रह किया। उन्होंने वो व्यक्तिगत प्रतिष्ठा लेके सीबीआई को देने के लिए इनकार किया, इसलिए आज हम कल सदन में भी धरनी बैठा। आज महात्मा गांधी जी के पुतली के सामने हम धरनी बैठ के बाद में हमारा कर्नाटक के राज्यपाल को मिल के कर्नाटक जो जब कांग्रेस आया है उसी दिन से कर्नाटक में क्या क्या हत्या हो रही है, क्या क्या जो टोटली कर्नाटक एडमिनिस्ट्रेशन कम्प्लीटली फेल हो गए, इसके बारे में हमने उनको एक निवेदन पत्र देंगे। दिस गवर्नमेंट अंडर द गाइज ऑफ ट्रांसफर एंड एवरीथिंग दे हैव डीमोरलाइज्ड द पुलिस एंड दे हैव बीन supporting indirectly all these elements. Therefore, we have to put an end of this Yengal Raj in the beginning itself. So we are appealing the Honorable Governor to direct this government to take action and CBI inquiry should be done in Jain Muni's case. तेलंगाना की सत्तारूढ़ पार्टी भारत राष्ट्रीय समिति ने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ए रेवंत रेड्डी के कथित बयान के खिलाफ राज्य भर में दो दिनों तक विरोध प्रदर्शन का आह्वान किया है। वहीं राज्य में मुफ्त बिजली आपूर्ति की कोई जरूरत नहीं है। बीआरएस ने अपने नेताओं और कार्यकर्ताओं से कांग्रेस पार्टी के किसान विरोधी रवैये के खिलाफ विरोध प्रदर्शन आयोजित करने को कहा है। पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष के टी रामा राव ने पार्टी कार्यकर्ताओं से तेलंगाना में किसानों को 24 घंटे मुफ्त बिजली का विरोध करने के लिए हर गांव में कांग्रेस के पुतले जलाने को कहा। केटीआर ने आरोप लगाया कि कांग्रेस मुफ्त बिजली योजना को खत्म करने की योजना बना रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का इतिहास किसानों को बिजली न देकर धोखा देने का रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने एक बार फिर अपनी किसान विरोधी नीतियों को सार्वजनिक कर दिया। कर्नाटक के बेंगलुरु में कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर गुजरात हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ कांग्रेस ने मौन विरोध प्रदर्शन किया। बता दें कि कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने हाथों में बैनर पोस्टर लेकर मौन रखकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। ये देखिए तस्वीरें बेंगलुरु की हम आपको दिखा रहे हैं। तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं कि प्रदेश की कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री और तमाम जो कांग्रेसी दिग्गज हैं वो मौन प्रदर्शन करते नजर आए। मौन सत्याग्रह ये कांग्रेस का देश भर में आज देखने को मिला। ये तस्वीरें बेंगलुरु की हैं। डीके शिव कुमार को आप देख सकते हैं कि मुंह पर काली पट्टी बांधकर विरोध प्रदर्शन करते हुए राहुल गांधी के समर्थन में ये विरोध प्रदर्शन। तेलंगाना और पुडुचेरी की राज्यपाल तिमिली साई सुंदर राजन ने राज्यपालों को राजनीति में बोलने के अधिकार का बचाव किया और कहा कि वे भी संवैधानिक पदाधिकारी हैं और उन्हें अपने विचार व्यक्त करने का अधिकार है। सुंदर राजन की टिप्पणियां तमिलनाडु बीजेपी प्रमुख के अन्नामलाई के हालिया बयान के जवाब में सामने आया है, जिन्होंने राज्यपालों को राजनीति में बोलने से परहेज करने की सलाह दी थी।
अन्नामलाई ने कहा था कि राज्यपालों को राजनीतिक बयान नहीं देना चाहिए या प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इसे राज्य के मामलों में हस्तक्षेप के रूप में देखा जा सकता है। हालांकि सुंदरराजन ने अन्नामलाई से असहमति जताते हुए कहा कि राज्यपालों को राजनीतिक मामलों पर अपने विचार व्यक्त करने का अधिकार है। उन्होंने कहा कि राज्यपाल सिर्फ रबड़ स्टैंप नहीं है बल्कि संवैधानिक पदाधिकारी हैं जिन्हें राजनीतिक बहस में हिस्सा लेने का अधिकार है। यूसीसी को लेकर देश में मुद्दा गर्म है, कोई यूसीसी के पक्ष में तो कोई यूसीसी के खिलाफ लगातार बयान दे रहा है। अब ऐसे में असदुद्दीन ओवैसी का बयान भी सामने आया है। और अगर आरएसएस ये समझ रही है कि मुल्ला जी को निशाना बनाएंगे तो भाई साहब आप हमारे नाम पे किसी और का नुकसान कर रहे हैं आप। और आप ये मत समझिए कि ये बातें सब नहीं निकलेंगी, निकलेंगी, आज निकल चुकी हैं, कल भी निकलेंगी। आपको समझना है कि नरेंद्र मोदी कहां से आ रहे हैं। दिखा तो रहे हैं कि मुसलमान को सबक सिखाएंगे मगर नुकसान देश का होने वाला है, नुकसान देश की प्लुरलिज्म को होगा, इज्तिमाइयत को होगा। जो काम हमारे बुजुर्गों ने नहीं किया आप करने जा रहे हैं, तो इसीलिए यकसा सिविल कोड भारत के लिए ठीक नहीं। और फिर हमारे पास मुसलमान हैं, जमहूरियत है, आपको राय रखने का अख्तियार है, मुझे भी राय रखने का अख्तियार है। और जो लोग आज नरेंद्र मोदी के इशारों पर कठपुतली बनकर नाच रहे, मैं तुमको सरकारी मुसलमान पुकारता हूं। अच्छा बात को खड़े होकर बोलते हैं, क्या बोल रहे हैं लोग, कहां है कुरान सुन्नत में? तो इन लोगों के लिए उलमा काफी है जवाब देने के लिए। एक शायर ने बड़ा अच्छा कहा इनके बारे में, इन गुलामों का यह मसलक है कि नाकिस है किताब, इन गुलामों का यह मसलक है कि नाकिस है किताब कि सिखाती नहीं मोमिन को गुलामी की तरीफ। ये वो लोग हैं। चलिए अब रुक करते अगली खबर की ओर। जैन समुदाय के सदस्यों ने नंदी पर्वत आश्रम के जैन भिक्षु आचार्य काम कुमार नंदी महाराज के नृशंस हत्या की निंदा करते हुए सुवर्ण विधान सौध के पास पुणे बेंगलुरु हाईवे को अवरुद्ध करके बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने हत्या में शामिल आरोपियों को फांसी की सजा देने की मांग की है। वहीं जैन मुनि बालाचार्य सिद्धसेन महाराज के नेतृत्व में सैकड़ों लोग नेशनल हाईवे 4 पर इकट्ठा हुए और नारेबाजी की। आपको बता दें कि हत्या के दिन जैन समुदाय के लोग काला दिन के रूप में मना रहे हैं। उनका कहना है कि हमारा विरोध किसी धर्म, जाति, पार्टी या किसी सरकार के खिलाफ नहीं है। हम अपने जैन मुनि की हत्या की निंदा करने के लिए विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारी आवाज सिर्फ मुख्यमंत्री ही नहीं बल्कि प्रधानमंत्री तक भी पहुंचनी चाहिए। जैन समुदाय अहिंसा में विश्वास करता है लेकिन हमारे साधु संतों की हत्या बर्दाश्त करने लायक नहीं है। हत्यारों को कड़ी से कड़ी सजा दी जानी चाहिए। कर्नाटका में जैन मुनि और वेणुगोपाल जी जो हिंदू कार्यकर्ता थे उन दोनों का बर्बरता से जिहादियों ने कत्ल कर दिया। कत्ल करने का कारण क्या था आप सभी जानते हो, बोलने की आवश्यकता है नहीं। हम केंद्र सरकार से ये निवेदन करना चाहते हैं और राज्य सरकार से भी ये निवेदन करना चाहते हैं कि तत्काल में उन लोगों को जो कि दोषी है उन लोगों को फांसी की सजा देना, और फांसी की सजा देकर के ये संदेश स्पष्ट करना कि जो कोई भी धार्मिक उपद्रव मचाना चाहता है इस राज्य में हो, देश में हो, कहीं पर भी हो, ये संदेश फांसी देने से स्पष्ट हो जाएगा कि ये सभी चीज़ों को केंद्र हो, चाहे केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, ये दोनों भी एंटरटेन नहीं करेंगे। और गोपाल जी के परिजनों को और परिवार को आर्थिक रूप से मदद करना बोल के भी ये निवेदन कर रहे हैं। और केंद्र के बीजेपी सरकार से हम बहुत ज्यादा पीड़ा हो रही है, बोलने भी मुझे शब्द नहीं मिल रहे हैं। बर्बरता से लगातार गौ माता की हत्या की जा रही है, साधु संतों की हत्या की जा रही है, जो हिंदू के बारे में बात करता है उनकी हत्या कर रहे हैं लोग। अभी पब्लिक को बहुत ज्यादा आक्रोश है, तो आप कृपया कर न्याय व्यवस्था
बनाए रखे। और पुलिस को मैं तो ये निवेदन करना चाह रहा हूँ कि कृपया कर आपकी निष्ठा संविधान के प्रति रहे, क्योंकि बर्बरता से लोगों को मारा जा रहा है, काटा जा रहा है, बाद में सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगी। तो मैं पुलिस वालों से, विशेषकर पुलिस वालों से निवेदन करना चाहता हूँ, ऐसे जिहादियों को पकड़े और उनके विरुद्ध कड़े से कड़ा चार्जशीट दायर करे। आंध्र प्रदेश के तिरुमाला में असम के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया ने अपने परिवार के साथ भगवान श्री कांतेश्वर मंदिर पहुंचे और दर्शन पूजन किए। मंदिर में सुरक्षा के लिहाज से सख्ती बरती गई। असम के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया ने मंदिर में दर्शन पूजन के दौरान देश प्रदेश के लोगों की खुशहाली की कामना की। कर्नाटक के उडुपी में लोगों ने प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। दरअसल लोगों ने शराब उपभोक्ताओं के पक्ष में विरोध प्रदर्शन किया, साथ ही लोगों ने प्रदेश सरकार ने शराब पर टैक्स कम करने की मांग की गई। वहीं लोगों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और कहा कि अगर हमारी मांगों को नहीं माना गया तो हम उग्र प्रदर्शन करने के लिए मजबूर होंगे और इसकी पूरी जिम्मेदारी सरकार की। आंध्र प्रदेश के निलातुर में दामोदरम संजीवैया थर्मल पावर प्लांट में आग लग गई। आग लगने के कारण प्लांट के अंदर भगदड़ मच गई। आपको बता दें कि देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। वहीं आग पर काबू पाने के लिए फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियां मौके पर पहुंची। अब तक किसी के हताहत होने की कोई सूचना नहीं है। फिलहाल आग पर काबू पाने के प्रयास किए गए और आग पर काबू पा लिया गया। हैदराबाद में भारत राष्ट्र समिति के कार्यकर्ताओं ने किसानों के लिए 24 घंटे मुफ्त बिजली और पानी की आपूर्ति पर तेलंगाना कांग्रेस प्रमुख रेवंत रेड्डी की टिप्पणी पर शहर भर में विरोध प्रदर्शन किया। पार्टी का रुक करते हैं अगली खबर की ओर। हैदराबाद में डोमलागुड़ा पीएस सीमा में गैस रिसाव के कारण आग लगने की घटना में 3 बच्चों सहित एक परिवार के 7 लोग घायल हो गए। पुलिस ने घायलों को गांधी अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करवाया। इस मामले में केस दर्ज कर लिया गया है। पुलिस अधिकारी ने बताया कि हमें सूचना मिली कि डोमलागुड़ा की रोज कॉलोनी में नागमामा के घर में आग लग गई है। जब मौके पर पहुंचे तो आग लगी हुई थी। आग पर काबू पाने के प्रयास किए गए। गैस रिसाव की वजह से आग लगी थी। आग पर काबू पा लिया गया। आंध्र प्रदेश के गुंटूर में ANB के अधिकारियों ने बड़ी कार्रवाई की है। दरअसल गुंटूर के चिकित्सा विभाग में चिकित्सा अधीक्षक को 16,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। आपको बता दें कि चिकित्सा विभाग के अधिकारी के खिलाफ घूसखोरी को लेकर शिकायत दर्ज की गई थी। फिलहाल ANB विभाग जांच पड़ताल में जुटी हुई है। आंध्र प्रदेश पुलिस ने जिले भर में नशा कारोबारियों के खिलाफ
अभियान चलाकर कार्रवाई की। दरअसल पुलिस ने मादक पदार्थ ले जाने वाले और बेचने वाले 317 तस्करों को गिरफ्तार किया है। पुलिस विभाग ने चेकिंग अभियान चलाकर भारी मात्रा में मादक पदार्थ जब्त किए और गिरफ्तार किए गए आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी। केरल की एनआईए कोर्ट ने प्रोफेसर के हाथ काटने के मामले में 6 लोगों को दोषी करार दिया है। कोर्ट ने प्रोफेसर जोसेफ पर हमले के मामले में 11 में से 5 आरोपियों को बरी कर दिया। इन दोषियों की सजा का ऐलान 13 जुलाई को हुआ था। वहीं यह मामला साल 2010 का है, जिसमें आरोपी प्रतिबंधित संगठन पीएफआई के सदस्य थे। यह सुनवाई मामले के दूसरे चरण की थी, जिसमें जज अनिल भास्कर ने दोषियों पर फैसला सुनाया। इस केस की शुरुआत में पहले 31 लोगों को आरोपी बनाया गया था, जिसके बाद सुनवाई में 13 के बाद 11 लोगों पर आरोप दायर किया। आईआईटी मद्रास जांजीबार तंजानिया में एक अंतर्राष्ट्रीय परिसर शुरू करने वाला देश का पहला आईआईटी बन गया है। अंतर्राष्ट्रीय परिसर के लिए शैक्षणिक कक्षाएं इस साल अक्टूबर में शुरू होंगी। वहीं आईआईटी मद्रास की पूर्व छात्रा प्रीति अगलायम जांजीबार संस्थान के पहले अंतर्राष्ट्रीय परिसर की प्रभारी निदेशक होंगी। यह पहली बार है कि किसी महिला को आईआईटी परिसर के निदेशक के रूप में नियुक्त किया जा रहा है। उन्होंने कहा, आईआईटी मद्रास को पूर्वी अफ्रीका में अपनी गहन और दीर्घकालिक शिक्षा और अनुसंधान ताकत लाने पर गर्व है। तमिलनाडु के कोयंबटूर में किसानों ने शराब की बोतलों और नारियल के साथ विरोध प्रदर्शन किया और जमकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। वहीं सरकार ने किसानों से सीधे तौर पर नारियल खरीदने की मांग की। किसानों का कहना है कि डीलरों के जरिए ये नारियल की खरीद बिक्री पर काफी नुकसान झेलना पड़ रहा है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।